कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक ग्राफ्स के बारे में, जिसको हम थोड़ा 5 मिनट रिकॉल करा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा लीनियर ग्राफ, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कर्व टाइप, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का ग्राफ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ओनली साइन एक्स। ठीक दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था साइन एक्स का ग्राफ। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें देखे थे हम लोग इसमें क्या होता था, m क्या होता था, स्ट्रेट लाइन कोई भी लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उसका टेंजेंट फॉर्म जो होता है वो m होता है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब लाइन जो है वो y इंटरसेप्ट कितना कर रही है, या फिर पॉजिटिव एक्सिस पे y के पॉजिटिव एक्सिस पे आइदर निगेटिव साइड में। तो ये बात हुई हमारा लीनियर ग्राफ के बारे में। और हम लोगों ने कर्व में क्या पढ़ा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब के बारे में। डोमेन रेंज भी हमने देखा था, इसके भी डोमेन रेंज क्या होते हैं ये पढ़ा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था, इसके भी डोमेन रेंज, डोमेन है रेंज d एंड r देखे। और इसमें हम लोगों ने कुछ सीखा था पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी के बारे में कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, किसी भी फंक्शन का पीरियोडिक होना क्या होता है, तो हम लोगों ने इतना सीखा था। और हम लोगों ने इतना सीखा था तो किसी दोस्त ने हमारे क्वेरी किया कि हमको ये जानना है कि y इक्वल टू टेन एक्स के बारे में, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू टेन एक्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही एक पार्ट है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, डोमेन एंड रेंज क्या होगी उसके बारे में, और वो पीरियोडिक है कि नहीं ये, और है भी तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू टेन एक्स के बारे में ही यहाँ सीखते हैं। y इक्वल टू टेन एक्स को सीखने के बाद हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ्स और पढ़ेंगे, जिससे उसको पढ़ने के बाद बेसिक ग्राफ का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा दो लेक्चर्स में। उसके बाद हम इस ग्राफों का यूज बताएंगे, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, अगले लेक्चर से ग्राफ के यूज बताना शुरू करेंगे, हम लोग आराम आराम से सीखेंगे, प्रोसीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x। सबसे पहले इसका देखते हैं कि ग्राफ बनता कैसे है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ बनता क्या है, कैसे है। या सबसे पहले इसे इसका बेसिक बताता हूं क्या होता है, tan x होता क्या है। आप तो जानते ही होंगे कि
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो सिर्फ लेंथ के रेशियोज हैं, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियोज ऑफ लेंथ। जैसे हम एक ट्रायंगल ड्रा किए ए बी सी, ठीक, एंगल बी इज द पोजिशन ऑफ एट राइट एंगल, देन वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। जनरली वी नो अबाउट द लाइन ए बी एज अ बेस एंड बी सी एज अ हाइट एंड ए सी एज अ हाइपोटेन्यूज। ए बी को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, जिसे बोलते हैं बेस, और बी सी को हम करते हैं एच से, जिसे हम बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन ये भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं हाइट या परपेंडिकुलर। ए सी को हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज, अगर इसे परपेंडिकुलर लिख देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी पी, और इसको मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज तो उसका पहला लेटर एच। तो देखिए टेन एक्स क्या होता है, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सिर्फ लेंथ के रेशियोज हैं, तो टेन एक्स भी उसी का फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक लेंथ के रेशियो होंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो टेन एक्स किसका किस किस लेंथ का रेशियो है, टेन एक्स, टेन एक्स को जनरली डिफाइन किया गया है इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल टू द बेस ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हम कह सकते हैं टेन एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, और वी कैन से दैट आल्सो टेन एक्स इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी। तो ये होता है हमारा टेन एक्स। अब बताते हैं इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनता है, जो कैलकुलस में हम लोग यूज करते हैं पूरा, यहाँ से लेके ग्राफ से लेके उधर एरिया तक, उधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर थ्री डी। टेन एक्स एक ऐसा रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक, इस सबसे सबसे ज़्यादा टेन एक्स का यूज करते हैं हम। यहाँ फिजिक्स में केमिस्ट्री में कहीं स्लोप वगैरह का फॉर्म आता है तो सबसे पहले टेन एक्स का वहाँ इंट्री होती है। तो हम लोग टेन एक्स के बारे में थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। टेन एक्स ये हमारी क्या हुई इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारी क्या हुई रियल एक्सिस, माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। इसमें आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को जरूर मिलेंगे, तो पहले आप देखते रहिए कि हम ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ बनाया और थोड़ा सा नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ भी ग्राफ को बना देते हैं।
ये हुआ हमारा ग्राफ का पैटर्न कुछ यूं होता है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, इसमें एक्स को इस पॉइंट को लोकेट कर देना है, इस पॉइंट को, दिस वन जीरो, यहां से ये ले लो, ये ले लो मार्कर, ये ले पाई बाई टू कहलाती है। उसके बाद ये लेंथ, ये वाला, ये भी पाई बाई टू लेंथ का होता है, तो पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई, उसके बाद इतना भी पाई बाई टू, तो पाई प्लस पाई बाई टू करेंगे तो ये आएगा थ्री पाई बाई टू, ये आता है थ्री पाई बाई टू। वैसे इधर जीरो माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, इसे कहते हैं माइनस थ्री पाई बाई। तो ग्राफ इस पैटर्न का होता है, क्योंकि ग्राफ इसमें क्या है कि जो टेन एक्स होता है जीरो से लेके पाई बाई टू तक तो डिफाइन होता है। पाई बाई टू की इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या कहते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में हम कैसे लोकेट करें, तो इसका, इस समस्या का समाधान के लिए वाई एक्सिस के कंपेरेटिव एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रा की जाती है, उससे इसको हम लोकेट करते हैं कि ये टेन एक्स का ग्राफ पाई बाई टू के आगे चल के कहीं इन्फिनिटी को मीट करती होगी, तो इसे ऐसे लोकेट करते हैं। तो देखिए पाई बाई टू पे ऐसे, और इधर भी पाई बाई टू पे इधर जा रहा है, ठीक। तो ये देखिए, ये हो गया ग्राफ की, ये क्यों ड्रा किया गया है, इसका बात हो गया। अब बात हो इसकी डोमेन और रेंज की। डोमेन को अगर देखा जाए, अगर हम इसको फ्लैट करें, ठीक है, तो अगर हम इसको फ्लैट करें, अगर हम इसे फ्लैट करते जाएं, यहीं तक मानिए इतना इंटरवल, अगर ऐसे इसको सिकोड़ें, इसको सिकोड़ते जाएं, लेंथ तो इसकी बड़ी, ये इसको पूरा कवर करेगा, लेकिन पाई बाई टू तो ये इन्फिनिटी पे मीट करता है, तो पाई बाई टू इसके डोमेन से बाहर हो जाएगा, इसके डोमेन से बाहर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे देखा जाए, थ्री पाई बाई टू इसके डोमेन से बाहर जा रहा है, और रेंज के लिए देखा जाए, और इस तरफ देखिए माइनस पाई बाई टू, इधर माइनस थ्री पाई बाई टू, रेंज के लिए वाई ऐसी तरह, इसको अगर ऐसे फ्लैट करते जाए, पूरी वैल्यू माइनस वाई, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक पूरा ये रिजल्ट देगा, आउटपुट पूरा देगा, तो इसका रेंज ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका रेंज ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और इसका जो डोमेन है वो सारे नंबर होंगे, सारे नंबर होंगे एक्सेप्ट पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू गया, और उसके बाद पाई लेंथ ये है, ये गया, उसके बाद ऐसे ऐसे पाई लेंथ पे ये वैल्यू नहीं लेगा, मतलब वो पाई बाई टू के प्लस पाई पाई करते, पाई टू पाई थ्री पाई करते रहेंगे तो ये आउटपुट नहीं देगा। तो ये कह सकते हैं, ये आपको देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये पीरियोडिक लग रहा है, क्योंकि अगर इतना देखिए, सिर्फ इतना, ये यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, इसको देखें ये हो रहा है, ये कितने के बाद हो रहा है, पाई बाई टू पाई, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई, मतलब एक, ये एक ऐसा छोटा लेंथ है ये, दिस इज ओनली दैट स्मॉल लेंथ इन विच द ग्राफ ऑफ टेन एक्स रिपीटेड, मीन्स कि ये फंडामेंटल पीरियड हमारा पाई होगा, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड हमारा पाई होगा, और ये तो पता चल गया ये टेन एक्स पीरियडिक भी है, पीरियडिक भी है।
देखा जाए दोस्तों तो क्या होगा, x belong to all real number except n pi plus pi by 2। अब इसका मतलब क्या होता है, n pi plus pi by 2, इसका मतलब क्या होता है, हमने लिखा है n pi plus pi by 2 r minus x belong to, x belong to all real number except this, मतलब x सभी real number लेगा लेकिन इनको n क्या होता है यहाँ, all integers, all integers होते हैं n। अगर n की वैल्यू 0 रख दिया जाए, n की वैल्यू 0 रख दिया जाए तो पाई प्लस पाई बाई, अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पाई बाई 2, मतलब x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाई 2। तो देखिए पाई बाई 2 के डोमेन में है, अगर 1 लेते हैं n की वैल्यू तो n 1 प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ये नहीं लिया। तो दोस्तों ये हुआ डोमेन, ये हुआ रेंज, क्या होगा y बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, ठीक। आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं, यकीन है कि समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जिस किसी भी दोस्त की कोई क्वेरी हो वो हमें, हम तक, हमारी फैकल्टी तक पहुंचाने का कोशिश करे, हमारी तरफ से पूरा मदद किया जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या पढ़ेंगे आज। आज हम लोगों को पढ़ना है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, बेसिक आइडिया देते जाएंगे मोटा मोटा, उसके बाद जब ग्राफ का यूज करेंगे तो सभी का यूज होगा ही। y इक्वल टू एक नया फंक्शन आपको बताएंगे, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन इसको शॉर्ट में SGM बोलते हैं, अगर देखा जाए इसको शॉर्ट में SGM, इसका नाम होता है सिग्नम। और y इक्वल टू ब्रैकेट x के बारे में बताएंगे। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू मॉड x, मॉड x ये जनरली y इक्वल टू x लाइन होती है और ये इक्वल टू माइनस x, प्लस y माइनस y प्लस x माइनस x, y इक्वल टू मॉड x। हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़े थे कि जैसे किसी भी मॉड में लगा दे, किसी भी नंबर में कोई भी मॉड लगा दे तो उसका रिजल्ट आउटपुट जो होता है पॉजिटिव के साइन पे आपको निकाल देते, जैसे हम लोग लिखते थे प्लस फाइव बाई माइनस फाइव बाई टू दिया है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, तो हम लोग ऐसे करते थे माइनस फाइव बाई टू मॉड लगाए फाइव बाई टू, उस समय ऐसा जनरलाइज नहीं किया जाता था लेकिन यकीनन वो सही होता था। तो आज हम लोग इसको एलाबोरेट करते हैं अच्छे से, आगे चल के इसे पढ़ना है अभी। y इक्वल टू मॉड x इसकी वैल्यू x होती है जब x पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू माइनस x होती है जब x नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों।
इसकी वैल्यू एक्स होती है जब ये पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू माइनस एक्स होती है जब ये निगेटिव होता है। जब ये एक्स निगेटिव होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी। अगर किसी भी जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, एक्स लिखा है पाई बाई फोर, एक्स लगा है इसमें, एक्स की जगह पे कोई फंक्शन हो सकता है हमारा, कोई फंक्शन हो सकता है, तो एक्स की जगह पे हमारा फंक्शन लगा है साइन एक्स, और एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, तो इसको हम एक्स से रिलेट करते हैं, इसको हम एक्स से रिलेट करते हैं। एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर रखेंगे तो साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू आएगी, तो वाई इक्वल टू वन बाई रूट टू इक्वल टू वन बाई रूट टू, ये हो गया पॉजिटिव का केस। एक्स पॉजिटिव था, एक्स पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव था, तो ठीक है। एक्स निगेटिव का केस में आते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स की, y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस, अगर x इक्वल टू माइनस पाई रखते हैं तो कॉस ऑफ माइनस पाई की वैल्यू, कॉस ऑफ माइनस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, कॉस ऑफ माइनस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस वन। अब देखिए दोस्तों माइनस वन है, ये एक्स हमारा निगेटिव हुआ किस सेंस में, जब हम एक्स इक्वल टू माइनस पाई रखे, उसके बाद रिजल्ट आता है हमारा वन, क्योंकि हमारा मॉडुलस लगा है। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x less than 0, मतलब x negative है तो modulus of x minus x होगा, अगर x positive है तो modulus of x x होगा, मतलब positive होगा। तो यहाँ देखिए negative था ये total, ये क्या कहते हैं, अगर x negative है तो modulus of x की value minus x होगी, x negative था minus one, और ये क्या कह रहा है मॉडुलस ऑफ दैट नंबर विच इज बिफोर विच इज ऑलवेज निगेटिव, द रिजल्ट ऑफ दैट मॉडुलस इज निगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो हम कह सकते हैं इसका निगेटिव, जो खुद से निगेटिव हो उसका निगेटिव, मतलब ये निगेटिव था इसमें भी हम निगेटिव लगा दें, ये होगा इसका मॉडुलस। तो हम देखते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो इसका रिजल्ट वन आएगा। पूरा थारोली मैंने इलाबोरेट किया दोस्तों, पॉजिटिव वाला केस मुझे पता है सबको यकीनन समझ में आएगा, लेकिन निगेटिव वाले केस में देखिए यस इक्वल टू हमने माइनस पाई रखा, माइनस पाई का कॉस माइनस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस वन मैंने रखा, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। इसके बाद ये देखिए यहाँ कह रहा है कि यक्स when x is negative then the modulus of x means this is always negative of this, मतलब x negative होगा x कोई function होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी variable function होगा जो इसमें लगेगा, तो modulus of any function resulted into the negative of that function if the function on which modulus is applied is negative। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर modulus जिस किसी भी function में लगाया गया है अगर वो function negative होता है तो उसका result negative of that function होता है, बस सीधी सी बात ये है। तो minus one हमने इसका किया तो ये हो गया, इसका graph हमने ऐसे बनाया, ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका
जानते ही y इक्वल टू पाई बाई फोर होता है 45 डिग्री स्लोप होता है, प्लस वन इसका होता है स्लोप माइनस वन। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं y इक्वल टू रूट एक्स की दूसरा ग्राफ y इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स किसी भी चीज का स्क्वायर रूट, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट। इसमें आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल कराएंगे, अगर आपको रिकॉल हो तो अच्छी बात है, रिकॉल कर पाए, नहीं तो हम तो करा ही दे रहे हैं। ये हुआ हमारा y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू एक्स, x एक्सिस ये y। हमने ये पढ़ा था कि जब when x lies in the interval of 0 to 1 then the value of root x is greater than x is greater than x square is greater than x cube and follow on ऐसे इंफिनिटी तक। तो ये देखिए, जब x की वैल्यू 0 से 1 तक तो y equal to root x बड़ा है और y equal to x छोटा है। तो यही बस यही समझाने के लिए हम आपको y equal to root x का ग्राफ बताना चाह रहे हैं, और इसका शेप ऐसा हाफ हाफ पैराबोलिक होता है जो कि ओपनिंग राइट वर्ड है। और इसका डोमेन देख लीजिए, अगर इसको फ्लैट करते हैं तो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड को कवर करता है ओनली, तो इस वजह से इसका जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग टू, या फिर ये कह सकते हैं x ग्रेटर देन 0। और रेंज देखा जाए अगर ऐसे फ्लैट करेंगे तो ये भी y एक्सिस के पॉजिटिव साइड को कवर करेगा, तो हम कह सकते हैं y ग्रेटर देन 0। ठीक, ये रही बात। हमने पढ़ा y इक्वल टू टेन एक्स जो कि हमने ऐसे क्वेरी सॉल्व कराया, उसके बाद y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स। अब हम बताते हैं आपको y इक्वल टू सिग्नम एक्स। सिग्नम फंक्शन नाम पहली बार हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, लेकिन बहुत आसान फंक्शन होता है और इसका यूज कहीं कहीं होता है। सिग्नम एक्स, सिग्नम इसको हम शॉर्ट में एस जी एम बोलते हैं। सिग्नम की वैल्यू तीन तरीके की होती है, माइनस वन, जीरो, प्लस वन। बस सिग्नम की वैल्यू सिर्फ यही तीन होती है, आप कुछ भी इनपुट कर ले। और हाँ, बात ये मजेदार की है कि ये सारे रियल नंबर को लेता है, इनपुट सब लेता है लेकिन आउटपुट सिर्फ ये देता है। और ये देता किस किस केस में, अगर आप यक्स निगेटिव नंबर रखते हैं, कोई भी नंबर एनी वे एक्स वाई जेड कुछ भी आप रख दें निगेटिव नंबर, सिग्नम ऑफ निगेटिव नंबर इज माइनस वन। एंड अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं तो सिग्नम ऑफ दिस नंबर जीरो, कुछ भी आप रख दें देगा वैल्यू थी। और अब आप आगे बता ही सकते हैं कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये होगा, इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं आराम से। यहाँ भी आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे ग्राफ मेकिंग में जो आपको बहुत हेल्प करेगा, एक्स प्लस वाई
देखिए हम यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब देखो x अगर पॉजिटिव नंबर लेगा तो 1 होगा, स्ट्रेट लाइन इस पे जा रहा है तो इसका मतलब y सिर्फ 1 होगा, x नेगेटिव लेगा तो -1 और 0 लेगा तो 0। यहाँ एरो बनाना, यहाँ पे सर्किल बनाना, यहाँ पे डार्क सर्किल बनाने का क्या मतलब दोस्तों? एरो का मतलब किसी ग्राफ में आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एरो बना रहे हैं उसका ये मतलब हुआ आप उस पॉइंट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट को उस ग्राफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप जीरो से बड़ा बनाएंगे ये 1 होगा, लेकिन जब 0 रखेंगे तो 1 नहीं होगा। यही ये सिंबलाइज कर रहा है कि 1 इज डिस्कार्डेड बाय दिस ग्राफ व्हेन वी टेक एक्स इक्वल एक्स ग्रेटर देन 0। और जब 0 लेते हैं तो डार्क सर्किल का मतलब होता है कि किसी ग्राफ में कैलकुलस में डार्क सर्किल मतलब होता है आप उस पॉइंट को, ओनली उस पॉइंट को आप लोकेट कर रहे हैं। और सर्किल और एरो बात दोनों एक ही, आप एरो बनाते हैं तो मतलब है कि आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, सर्किल बनाते हैं तो भी उसका मतलब यह होगा कि आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो बस अगर हम यहाँ डार्क सर्किल बना देते तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि 0 पे है -1, ये हमारा गलत हो जाता। इस वजह से हमने यहाँ सर्किल बनाया, हम यहाँ भी सर्किल बना सकते थे, यहाँ भी सर्किल बनाए या दोनों जगह सर्किल बनाए, दोनों जगह एरो बना दे। मतलब आपको समझाने के लिए हम यहाँ एक एरो एक सर्किल बना के दिखाए। उसके बाद अब हम बताते हैं इसका डोमेन सभी रियल नंबर और रेंज -1, 0, +1 सिर्फ 3 पॉइंट, वो भी इंटीजर है जो खुद के करेस्पॉन्ड में है। उसके बाद सिग्नामेक्स में एक चीज़ अगर देखें साथ साथ आपको इसको अच्छे से या सिंपल तरीके से अगर लिखना हो आप ऐसे लिख सकते हैं सिग्नम एक्स मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? यक्स अगर 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 है। अब यक्स 0 नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक। अगर यक्स 0 नहीं तो वो फिर पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। अगर हम अब इसको लेते हैं तो मॉड एक्स बाई एक्स, यक्स अगर पॉजिटिव होता है तब के केस में, अगर यक्स पॉजिटिव होता है तो हमने पढ़ा था कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब एक्स पॉजिटिव होता है। तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स लेते हैं और एक्स 1, एक्स पॉजिटिव के केस में हमने क्या लिखा 1, ये भी प्रूफ हो गया। उसके बाद दूसरा केस लेते हैं एक्स निगेटिव का, मॉड एक्स वाई एक्स। हमने पढ़ा जब मॉड एक्स की वैल्यू -x होगी When the number x is negative, तो अगर x negative होगा तो इसकी वैल्यू -x से होगी और ये x है इसे करेंगे -1। ये हमारा केस इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे ही प्रिफर करना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा ही टेक्निकली हो जाएगा या फिर शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, वो ऐसे ग्राफ पे नहीं पूछेंगे, आपको कोई ग्राफ रहेगा उसका सिग्नल पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आता है लास्ट ग्राफ जो आज हम लोगों को पढ़ना है, वो होता है y इक्वल टू ब्रैकेट x। दोस्तों पढ़ते हैं y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x। ब्रैकेट ऑफ x डिफाइन करता है उसके, जैसे किसी भी कोई भी नंबर लिख दिया जाए 5.03 8
इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.03 है। ये क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ, और ये क्या हुआ, इस फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं सही पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट सही रहेगा। कि हमने किसी भी नंबर को दो पार्ट में कर दिया, इसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। तो ये जो ब्रैकेट लगता है किसी भी नंबर को, वो सिर्फ किसी भी नंबर के किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल पार्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, सिर्फ उसका काम यही है कि उसको स्पेसिफाई करें। तो ये सिर्फ इसको स्पेसिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट फंक्शन को हम यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एट पॉइंट जीरो नाइन सिक्स का ब्रैकेट क्या होगा, एट थ्री पॉइंट जीरो टू फोर टू सिक्स ब्रैकेट। जैसे अगर और एक एग्जांपल हम ले पाई का, ब्रैकेट लगा दिए पाई पे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मतलब ये हुआ। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए 3.142 होती है, इसके ब्रैकेट लगा, इसके बाद इसका इंटीजर 3 आया, मतलब पाई की वैल्यू अगर ब्रैकेट लगा तो 3 को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे पाई बाई 2 पे लग जाए ये क्या होगा, 22/7/2 3.142/2 1.57 इस पे लगा, तुरंत हमको रिकॉल करना चाहिए, अरे हाँ पाई बाई 2 पे ब्रैकेट, हाँ तो मतलब 1.57 पे ब्रैकेट, इसकी वैल्यू आई 1। ये तो हुआ हमारा ब्रैकेट। इसको जब हम लोग यूज करेंगे ग्राफ में तब मजा आएगा सॉल्व करने में। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं आपको। और इसकी इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। उसको हम लोग अलग से इलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस, ठीक दोस्तों। देखिए अगर हम जब किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर पे जी एक्स, यहाँ इनपुट क्या डालना है, एक्स, एक्स को जीरो से वन तक करेंगे, जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे, पहली बार जीरो रखेंगे तो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म क्या आएगा, जीरो। तो जीरो पे हम डाल कर देंगे, और जीरो से वन पे करेंगे तो उसका इंटीग्रल फॉर्म क्या आएगा, जीरो, क्योंकि पॉइंट एट जीरो, पॉइंट नाइन जीरो, पॉइंट फाइव जीरो,
तो उसका ग्राफ क्या होगा, ये होगा। लेकिन वन पे नहीं कर देंगे, एरो वन पे बनाएंगे, क्योंकि अगर वन रख देंगे तो इसका इंटीग्रल वन आ जाएगा, जो कि यहाँ कर रहा है। वन से टू को रखेंगे, वन से टू को रखेंगे तो वन से टू रखेंगे तो वन आएगा रिजल्ट। और देखिए वन पे यहाँ मैंने डार्क सर्कल बनाई, उसके बाद ये होगा। और टू से थ्री पे रखें, टू पे एरो बना दिया क्योंकि टू रखते तो टू आ जाता। टू से थ्री बनाते हैं यहाँ एरो बना दी, ये हुआ ग्राफ। उसके बाद थ्री से फोर कर दें, फोर पे निर्वाह किया और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। आप देखिए जीरो से माइनस वन करते, जीरो से माइनस 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 वन पे माइनस वन ही आता, और जीरो पे मैंने एरो लगाया क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकलता। ऐसे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्या होता है, ऐसे एरिया पूछ लेना कि ये है तो बताइए, यक्ष जब वन से टू के बीच में होता है तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा ये पूछना। इसका एरिया ये एक स्क्वायर बन रहा है, इसका लेंथ वन, इसका लेंथ वन, स्क्वायर का एरिया वन साइडेड, इसका भी है एक, इसका एरिया वन स्क्वायर, वन स्क्वायर, ये ऐसा होता है। और अगर मजेदार की बात ये है कि अगर हम इसको इस पॉइंट को अगर मिलाते जाते हैं, ये हमारी हुई एक y इक्वल टू एक्स लाइन बनती है, y इक्वल टू एक्स लाइन, यह हुआ हमारा y इक्वल टू ब्रैकेट x का ग्राफ। डोमेन क्या हुआ, इसके सारे रियल नंबर्स होते हैं। डोमेन देखिए, इसको ऐसे बैठा दीजिए ऊपर, फ्लैट कर दीजिए पूरे ग्राफ को इसके तरफ, तो डोमेन क्या हुआ हमारा x belong to all real, लेकिन हाँ रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा आप लोग देखिए, जब डोमेन ये होता है x belong to all real number, तो इसका काम क्या है, सिर्फ ये इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक था तो जीरो, यहाँ से यहाँ तक आया सिर्फ वन, यहाँ से यहाँ तक टू थ्री, यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, मतलब इसका रेंज होगा ओनली इंटीजर्स आइदर विच आर पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो।
ऑन इंटीजर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू जेड, जेड को हम लोग इंटीजर से डिनोट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, यहाँ हम लोगों ने सीखा मॉडल ऑफ x का ग्राफ, उसके बाद हम लोगों ने सीखा स्क्वायर रूट, उसके बाद हम लोगों ने सीखा सिग्नम ऑफ x, उसके बाद हम लोगों ने सीखा ब्रैकेट ऑफ x, और क्वेरी में मैंने एक कराया क्वेश्चन y इक्वल टू टेन एक्स के बारे में, डोमेन रेंज और ग्राफ उसका थोड़ा बहुत सा यूज एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ सीखा। तो उसके बाद कल या फिर हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट एक दो ग्राफ और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद ग्राफ की यूजेस करेंगे कैसे, और कंपोजिट ग्राफ बनाए जाते हैं ये सब पढ़ेंगे। और हाँ, ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप लोग जब भी पढ़िए या इस वीडियो को जो रिकॉर्ड हो रहा देखिए, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि इससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट होता नहीं, जैसे आप चलते हैं तो कोई लेडर होती है सीढ़ी, स्टेप वाइज चलते हैं तो स्टेप वाइज बढ़ेंगे, इस वजह से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट समझ में ना आया, जैसे मॉडुलस कॉन्सेप्ट ना समझ में आया होता आपको, तो सिग्नम का जो हमने बताया कि मॉड एक्स बाई एक्स होता है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और जीरो होता है तो एक्स इक्वल टू जीरो, अगर आपने मॉडुलस ना देखा होता तो आपको सिग्नम एक्स के बारे में वो आइडिया ना आ पाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा दिक्कत आती ग्राफ में, ब्रैकेट के ग्राफ में, इस वजह से आप देखिए आराम से, उसके बाद पूरे देखिए नोटबुक पेपर पेन लेके बैठिए, और कोई क्वेरी हो तो लर्न मैथमेटिक्स 100@gmail.com आप मेल कर सकते हैं, या फिर लर्न मैथमेटिक्स के फेसबुक पेज को भी आप पोस्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियोस के यूट्यूब का माध्यम होगा, वीडियोस के कमेंट में आप अपनी क्वेरीज या क्वेश्चन दे दीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।